गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं रह जाती है रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उम्र भर उस उम्र की बातें याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर वापस नहीं आती है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल ऑन दिव्यांग न्यूज चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर दिव्यांग न्यूज चैनल ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। और मुझे नीतल शाह को आपके प्यार भरे मैसेजेस का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ऑलवेज कीप ऑन मैसेजिंग मी। आपके प्यार भरे मैसेजेस रिसीव करके ही मेरा दिन हमेशा खुशनुमा हो जाता है, और मैं हमेशा ऐसे ही आपके लिए वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर में बहुत सारा फन, म्यूजिक, मस्ती, एंटरटेनमेंट लेके आती रहूंगी। एंड आई विल कीप ऑन गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेरी वेल नोन सेलिब्रिटीज आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी आए हुए हैं, he is Mr. मनीष भानुसाली, who is a well-known music director. Welcome मनीष जी, welcome to World of Glamour, welcome to दिव्यांग न्यूज चैनल। मनीष जी, आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, बिग बजट मूवीज, बहुत सारे जिंगल्स, एडवर्टाइजमेंट, सभी में म्यूजिक दिया हुआ है। एंड ही ऑल्सो ओन्स अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन बड़ौदा। तो मनीष जी, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल। तो सबसे पहले मनीष जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीतल जी कि आपने दिव्यांग न्यूज चैनल ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, स्पेशली अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं मनीष भानुशाली, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं इंडस्ट्री के अंदर 4 साल से काम कर रहा हूँ। और अब तक मैंने छोटी बड़ी मूवीज़, गुजराती मूवीज़ और काफ़ी यूट्यूब सॉन्ग्स हैं, जिंगल्स हैं, मैंने काम किया है, बट स्टिल अनसेटिस्फाइड बिकॉज और कुछ ज़्यादा करना है। तो एवरी टाइम एक आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है कि कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। जब बड़ा होता है तो उससे भी बड़ा करें, तो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है ऑलवेज। बड़े आर्टिस्ट की यही खासियत होती है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो फिर भी कुछ और करने की चाह रहती है। इनफैक्ट जब शाहरुख खान का भी किसी ने इंटरव्यू लिया था तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विथ माय वर्क, आई वांट टू डू समथिंग मोर। अमिताभ बच्चन जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपने जब ये स्टेटमेंट दिया तो मुझे उनकी ही याद आ गई यहाँ पे। लेकिन मनीष जी, आप जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, उससे पहले हम आपकी बिगनिंग ऑफ द जर्नी जानना चाहते हैं। तो आपने शुरुआत कहाँ से की? लाइक एवरी आर्टिस्ट, बिगनिंग जो होता है ना वो बहुत स्ट्रगल वाला होता है। हाँ जी, मैंने भी जब स्टार्ट किया है तो मैंने छोटी छोटी, पहले तो हम लोग ट्राई करते थे कि किसी को सुनाए कि देखो हमने क्या बनाया है। हाँ जी, कभी कोई सुनता, कभी कोई इग्नोर कर देता, ये सब चीजें होती रहती थी। वैसे ही उसी दौरान हमको एक हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट जो हैं माहिन पंचाल करके, उन्होंने हमें बताया कि भाई हमारे एक छोटी सी एक टेलीफिल्म है, उसके अंदर हमको 2-3 गाने चाहिए। उन्होंने सोचा चलो भाई एक बार मौका मिला है, कहीं ना कहीं छोटा तो छोटा, चलो शुरू करते हैं। और वो छोटी सी टेलीफिल्म थी, तो विश्वकर्मा भगवान की एक छोटी सी टेलीफिल्म में हमने 3 गाने किए। देन आफ्टर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। विश्वकर्मा भगवान की ऐसी कृपा वर्षी कि उसके लगभग 1-1.5 महीने के बाद हमें एक बड़ी मूवी मिली, 4D Lishoyar, जो अहमदाबाद का प्रोडक्शन था, आस्था फिल्म प्रोडक्शन। okay. और उसके हमने 3 सॉन्ग्स किए। और वो एक्चुअली, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि एक्चुअली कैसा होता है कि आज भी मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट स्टिल परफेक्ट, ऑलवेज कुछ ना कुछ, हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ और कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उसमें से कुछ गेन करके नेक्स्ट में मैं उसको अप्लाई करता हूँ।
तो एवरी टाइम आप देखोगे तो मेरा काम आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट दिखेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेगा. आपका जो फील्ड है मनीष जी वो क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड, तो आपको तो मतलब ये क्रिएटिविटी लाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जो पुराना वाला है वो कॉपी करेंगे तो यू कांट बी अ म्यूजिक डायरेक्टर. एंड आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि एक्टिंग शायद आप कॉपी कर सकते हैं, आप जैसे ऑन स्क्रीन आते हैं स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, आप जो आपका स्टाइल है वो भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का जो काम रहता है वो कभी भी आप कॉपी करके अगर करेंगे तो आप म्यूजिक डायरेक्टर रहे नहीं. नितल जी इसमें एक्चुअली नितल जी ऐसा है कि देखिए कॉपी लोग करने वाले करते हैं. अच्छा हाँ एग्जैक्टली कॉपी करने वाले लोग करते भी हैं. हाँ जी. लेकिन उनको नहीं पता नितल जी कि उसके बाद उनकी जो एक इम्प्रेशन बनती है ना. हाँ. वो इम्प्रेशन ऐसे रहता है कि यार कॉपी करता है. ही डजंट हैव द ओरिजिनलिटी. दैट ओरिजिनलिटी नहीं है. तो मैं ऑलवेज ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूँ. और प्लीज जो भी आप देख रहे हो दर्शक मित्रों, आप भी ओरिजिनलिटी पे ही बिलीव कीजिए. एग्जैक्टली क्या होता है कि आज की तारीख में जो रिमिक्स का एक दौर चल रहा है कि सभी सॉन्ग्स का रिमिक्स बना दिया, सभी सॉन्ग्स का बस वही. अगर आपको रिमिक्स बनाना है ना तो आप ऐसे सॉन्ग का बनाओ जो लुप्त हो चुका है, लोग भूल चुके हैं उसको. हाँ जी. जो लोग याद रखे हुए हैं, जो हिट है, जो उसको अभी उसको वापस से आप रिमिक्स करेंगे तो देयर इज नो यूज अबाउट इट. दैट्स वेरी ट्रू. वो ऑलरेडी अपने एरा में वो हिट ही है. तो उसको आप वापस फिर से आप उसको हिट करोगे कोई मतलब नहीं है. ऐसा कोई सॉन्ग रहेगा ना जिसको पब्लिक ने वो टाइम पे इग्नोर कर दिया है, लेकिन उसको आप करके दिखाओ जनरेट. हाँ तो ही आपने कुछ अच्छा किया कह सकते हैं. हाँ, तो आपने कुछ अच्छा किया. हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं, चलो आपने कॉपी किया उसको, आपने रिमिक्स किया, लेकिन वो वर्थ है. ओके सो दैट्स वर्थ इट. एंड जैसे आपने आपकी शुरुआत की शॉर्ट फिल्म से, उसके अलावा जो आपने विश्वकर्मा की शॉर्ट फिल्म की, उसके अलावा आपने और कौन सी शॉर्ट फिल्म्स की है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज. हमारी एक शॉर्ट फिल्म से दैट गर्ल करके, ये शॉर्ट फिल्म में कनाडा यूएस उसमें काफ़ी जो छोटे बड़े जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है. एग्जैक्टली नंबर ऑफ मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने फिल्म फेस्टिवल में गई है बिकॉज, लेकिन उसके अंदर पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था. सो उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था एक बार कि हमारी शॉर्ट फिल्म में इतने 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 नाम ने नॉमिनेशन में डाला है और काफ़ी सारा सहारा गया है मीन्स मूवी को, और बधाई दे रहे थे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जो शॉर्ट फिल्म है इतनी प्रचलित हुई और देश विदेश में आपने नाम कमाया. अभी हमने रिसेंटली एक बाय बाय प्लास्टिक करके एक कंसेप्ट है उसके ऊपर हमने. ओके सोशल मीडिया के मैसेज के साथ आप आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आपने काम किए हुए हैं, सो दैट्स वंडरफुल टू नो. इसके अलावा भी आपकी जो शॉर्ट फिल्म्स है उसके बारे में भी आप शेयर. शॉर्ट फिल्म में मैंने काफी कुछ किया है, लेकिन जो दो तीन शॉर्ट फिल्म है उसको छोड़ के कहीं कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, लाइक कहीं पे रिलीज नहीं हुई अभी तक, अंडर प्रोडक्शन है, तो उसके बारे में अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ. लेकिन उसके अलावा हमने एडवर्टाइजमेंटिंग वगैरह का काम किया है, फंड बाजार करके एक कंपनी है उसका हमने काफ़ी कुछ काम किया है, उसका जिंगल्स वगैरह बनाया है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसका बैकग्राउंड स्कोर्स किया है. Okay. और ज़्यादातर हमारा मेनली फोकस रहता है कि मूवी का म्यूजिक सॉन्ग्स सॉन्ग्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है. सो तो आपने जो बिग बजट मूवीज और जो और जो मूवीज बनाई है उनके बारे में आप बताइए. देखिए पहला हमारा मूवी हमको जो मौका मिला नितल जी वो था फोड़ी लेशो यार. हाँ जी. लाइक बोलते ना कि एक गेम चेंजर बोलते ना कि पूरा यू टर्न एक लगता है. हाँ. जैसे हम लोग अभी काम ढूंढ रहे हैं कहीं पे, काम मीन्स छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और एक मूवी प्रोड्यूसर्स ने हम पे भरोसा रखा और हमें काम दिया. एग्जैक्टली उसके बाद हमने भी अपना उतना ही पोटेंशियल दिखाया. एवरी टाइम जो भी उनकी डिमांड थी उनके हिसाब से हमने पूरा काम किया और उनको बेहद पसंद आया. उसमें हमारा एक गाना ऐश्वर्या मजमूदार जी ने गाया था, एक सॉन्ग पार्थिव गोयल जी ने गाया था. Okay. मेरे साथ काम करते हैं पार्थ गोयल करके सिंगर हैं, बहुत बढ़िया सिंगर हैं और लिरिक्स राइटर हैं. Okay. एक गाना उन्होंने गाया था. Okay. और मीन्स बहुत मजा आया था. एग्जैक्टली बहुत मजा आया था वो टाइम. अच्छा, इसके अलावा आपकी जो और मूवीज है उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज. देन आफ्टर हमारा एक मूवी आया था
उसका नाम था चिमन भाई निचाल. चिमन भाई निचाल बहुत कॉमेडी मूवी था. उसके उसका नाम पे से ही पता चल रहा है. वो भी काफी कुछ अच्छा चला मूवी. और उसमें हमारे दो सॉन्ग थे. एक डीजे सॉन्ग था जो वरघोड़ा बोलते हैं, वरघोड़ा एग्जैक्टली भारत का जो सॉन्ग होता है, भारत का सॉन्ग था उसके अंदर. और एक नवरात्रि का सॉन्ग था और उसमें भी हमको काम करके बहुत मजा आया. देन आफ्टर हमारे एक कहवू कोने करके एक मूवी आया, वो भी अर्बन गुजराती मूवी था जो रिसेंटली अभी जस्ट दो महीना पहले रिलीज हुआ था. देन आफ्टर अभी काफी कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं जो हमारे आने वाले हैं. तो मनीष जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी साथ साथ में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके अपकमिंग मूवीज और आपके अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए हम लोग बेकरार हो गए हैं. हमारा एक मूवी आ रहा है प्रेम्मा पंचर. ओके. इट इज ऑल्सो अ कॉमेडी मूवी. बहुत बढ़िया मूवी है. मैंने तो एक्चुअली उसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स वगैरह सब हमने किया. Okay. तो मैंने ये पूरा मूवी देखा है. सुपर्ब मूवी है. फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है जो आजकल कम देखने को मिलता है. एग्जैक्टली कुछ मूवी ऐसे होते जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते. हाँ जी. बट ये फुल्ली कॉमेडी एंटरटेनमेंट फैमिली मूवी है. आपको काफी मजा आएगा. उसके अंदर हमने एक सॉन्ग जीवन जी नहीं रे जवा दो आज, इट इज अ फोक सॉन्ग एक्चुअली. ये सॉन्ग बहुत पहले से चलते आ रहे हैं लेकिन उसको हमने कुछ नया रूप दिया है इस बार. ये सॉन्ग एग्जैक्टली जैसे आपको पता होगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में रूरल अर्बन ये सब एक पार्टीशन बना के बैठे हैं कि भाई ये रूरल वाला है, ये अर्बन वाला है. ये हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं. ये रूरल का ही सॉन्ग है. रूरल सॉन्ग है बट इसको हमने अर्बनाइज किया है. ओके. तो मतलब रिमिक्स काइंड ऑफ थिंग, वी कैन कॉल इट रिमिक्स एग्जैक्टली. दोनों को मतलब दोनों संस्कृति को आपने मिला दिया है. बहुत अच्छा प्रयास किया है. लेकिन वो जो है वो सिनेमैटिक वे में हमने किया है. एग्जैक्टली वो जो था वो लोकल एक फोक सॉन्ग था उसको हमने सिनेमैटिक वे में कन्वर्ट किया है. ओके. दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर इट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग. एंड आपका जो मूवी का नाम है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, प्रेम मा पंचर. सो आई एम श्योर बहुत मजेदार मूवी है और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है. एंड वो मूवी जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं देखने जाऊंगी. तो आपने बहुत सारे जैसे ये म्यूजिक दिए हुए बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत कुछ किया है. आपने अपना एक खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया है जिसमें आप बहुत कुछ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं. तो इतना सब कुछ आपने ऑलरेडी मनीष जी कर लिया है, अभी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? हर एक के जीवन में ऐसा कुछ होता है कि अभी भी मुझे पाना है. आपने जैसे पहले बोला तो अभी आपको और क्या पाना है? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट मींस क्या है कि जब मैं ड्रीम प्रोजेक्ट पे पहुंचूंगा तो मुझे लगा यार ये थोड़ा कम है और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो एग्जैक्टली ड्रीम इज दैट कि दुनिया हमें पहचाने, हम कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें सालों तक याद रखे. दैट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोग पूरी दुनिया गुनगुनाए और पूरी दुनिया उसको याद रखे. वो हो जाएगा मेरा ड्रीम खत्म. Sure. So let's wish के आपका म्यूजिक इतना फैले, आपकी यश कीर्ति गाथा इतनी फैले और आपके जो ड्रीम है वो फुलफिल हो, जिससे हमारे यहाँ गुजरात का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो. तो मनीष जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया. एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस शो, जो मेरे दर्शकों को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर है, एंड दैट इज आवर गेम शो. तो हमारे जो गेम शो है उसमें बहुत मजेदार गेम है मनीष जी. इसमें हमारा तीन राउंड्स रहेंगे. ओके. ओके. एंड जिसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम फॉर ईच ऑफ द राउंड्स. ओके. एंड वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद आपके साथ डायलॉग्स राउंड है मेरे पास यहां पे. आई विल गिव यू सम डायलॉग्स. आपको मूवी का नाम बताना है. ओके. ओके. आप हिंदी मूवीज देखते हैं? हाँ जी. हाँ, तो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. कितने आदमी थे? शोले.
all is well. Three idiots. Good. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं definitely करता हूँ. Wanted? राउडी राठौड़. राउडी राठौड़. कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है. बाजीगर. ओके गुड. पुष्पा, आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ दो. आनंद. अमर प्रेम. अमर प्रेम. प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है, मूवी का नाम बता दीजिए. ये मूवी का नाम नहीं पता. बॉबी. वैसे okay. ये डायलॉग जो है ना, राज कपूर जी ने प्रेम चोपड़ा जी के पास जबरदस्ती बुलवाया था. एंड इट वॉज द मोस्ट फेमस डायलॉग. एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ओम शांति ओम. वेरी नाइस. आप मूवीज बहुत अच्छे से देखते हैं. चलिए, यू डिड अ वेरी नाइस जॉब इन द फर्स्ट राउंड. लेट्स सी हाउ यू डू विथ माय सेकंड राउंड. ये जो है हमारा एक नया राउंड है, इसमें मैं आपको मूवीज के कैरेक्टर दूंगी. ओके. और वो कैरेक्टर के ऊपर से आपको मूवी का नाम बताना है. मूवी में जैसे okay. कोई कैरेक्टर है, उसका फेमस कैरेक्टर का नाम मैं बताऊंगी okay. और आपको मूवी का नाम बताना है. ठीक है. अगेन यू हैव 1 मिनट फॉर दैट एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. गब्बर सिंह. वेरी नाइस. संजय, संजू, रतन, देविका. संजू, रतन, देविका. आमिर खान. आमिर खान. आमिर खान. यस, वेरी नाइस. अच्छा 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 नाम है. जोजीता वही सिकंदर. गुड, वेरी नाइस. यू आर टू गुड. तेजा, गोगो. अरे मस्त. रॉबर्ट. अरे मस्त मस्त मूवी है. मस्त मूवी. अमर प्रेम वाला. हाँ, यस अमर प्रेम. यस, राइट 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 राइट. नहीं, मूवी का नाम वो नहीं है. तो भाई अमर प्रेम वाला मूवी है. नाम 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 दिमाग में है लेकिन नहीं आ रहा है. अंदाज़ अपना अपना. अंदाज़ अपना अपना. ओके. प्रेम, मनोहर, सीमा. प्रेम, मनोहर, सीमा. नहीं आ रहा है. दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी. दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी. शाहरुख खान. नहीं नहीं, सलमान खान. मैंने प्यार किया. मैंने प्यार किया. ओके, दैट वॉज अ वंडरफुल राउंड. एंड बिकॉज यू आर अ म्यूजिक डायरेक्टर हुई है, आई हैव माई नेक्स्ट राउंड विच इज रिलेटेड टू द सॉन्ग्स. गीत है जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आपको उसका सॉन्ग सुनाना है. टफ जॉब है. अच्छा, यू कैन ट्राई इट. सिंपल वाले सॉन्ग्स हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ, क्योंकि आप म्यूजिक के साथ रिलेटेड है. जैसे ही आपको गाना आया पता चलेगा, आप गाने मत बैठना, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का ही टाइम है. okay. नहीं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा. तो योर टाइम बिगिंस नाउ. फॉरगेट मी, गुड बाय टू यू, यू हैव टू लिव विदाउट मी. फॉरगेट मी, गुड बाय टू यू. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे. मोमेंट मोमेंट नियर माय हार्ट यू स्टे. पल पल दिल के पास. गुड. दिस फ्रेंडशिप वी विल नेवर ब्रेक. ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे. सॉरी. हाँ. आफ्टर सीइंग वाटर्स कलर आई स्टार्टेड क्राइंग. पानी का रंग देख के. ओके गुड. योर एंड माइन लव स्टोरी इज डिफिकल्ट. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी. ओके गुड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड अस, अंडरस्टैंड अस स्वीट हार्ट, द मोर यू अंडरस्टैंड अस द मोर यू विल बी सरप्राइज्ड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड अस देन अंडरस्टैंड अस स्वीट हार्ट. हम लोगों को समझ सको. गुड, वेरी नाइस. वर्ल्ड वॉक्स फॉरवर्ड देन आई वॉक बैकवर्ड. टाइम्स अप बट आई गिव दिस वन टू यू. World walks
forward, then I walk backward. I know all the games. I am a great player. World walks forward. नहीं आ रहा है. दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी. Okay, so that was a wonderful round playing with you, Manish जी. आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे मजेदार सारे songs crack भी किए आपने का सारे. तो जितना मजा आपको आया उतना ही I'm sure मेरे दर्शकों को भी ये gaming में बहुत मजा आएगा. And आप के बहुत सारे म्यूजिक जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही करते रहे, यही हमारी दुआ है. और मनीष जी, हमारा जो ये है वो दिव्यांग न्यूज़ चैनल है और ये हमारा दिव्यांगों के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द दिव्यांग वी आर वर्किंग ओवर हियर. तो हमारे दिव्यांगों के लिए आपका एक स्पेशल मैसेज प्लीज. देखिए, भगवान ने आपको जो भी दिया है आपको कुछ सोच समझ के दिया है. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने आपको कभी हाथ नहीं दिया या पैर नहीं दिया. आप जो इच्छा रखते हो आप कर सकते हो. मेरी बेटी सुन नहीं सकती है, उसने मशीन पहने हुए दोनों कान में. आज की डेट में वो बच्ची भरतनाट्यम डांस करती है विथ फुल एक्सप्रेशंस. सो कभी ऐसा मत सोचो कि आप में कोई भी कमी है. आप में कोई भी कमी नहीं है. आपको दिव्यांग इसके लिए कहा जाता है कि भगवान ने आपको दिव्य अंग दिया है. बहुत ही सुंदर मैसेज है आपका मनीष जी. एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू, फॉर योर डॉटर आल्सो. मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि वो भरतनाट्यम भी कर सकती है. एंड आर फुल बेस्ट विशेस फॉर यू और उनको भी बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मिलते रहे. हमारी तरफ से उनके लिए ज़रूर से स्पेशल सपोर्ट हम ज़रूर देंगे. एंड उनको भी हम यहाँ पे चैनल पे भी पूरा सपोर्ट करेंगे और उनका परफॉर्मेंस हमें एक स्पेशल करवाना ही है. ये हम मेरी तरफ से आपको पर्सनल प्रॉमिस है यहाँ पे. तो इसी के साथ बहुत प्यारी प्यारी बहुत एंटरटेनिंग बातें मनीष जी के साथ करने के बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हो. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.